मैं ज्ञाना वशिष्ठ और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे नए एपिसोड बी बोल्ड विद ज्ञाना में विद फरहान अंसारी। फरहान अंसारी के बारे में मुझे इतनी लड़कियों ने बताया है ना, ही वॉज हॉट, ही वॉज स्मैशिंग, ही वॉज दिस, ही वॉज दैट। मुझे बताओ फरहान, हर लड़की तुम्हारे पीछे जो पागल हुई पड़ी है, ऐसा क्या कर रहे हो तुम लड़कियों के साथ? इसको मैं सिर्फ रिस्पेक्ट का नाम दूंगा। सीधी बात है, लड़कियों को रिस्पेक्ट चाहिए और मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो चाहे मेरी दोस्त हो, चाहे मेरे घर की बंदी हो या बाहर की फैमिली, कोई भी हो, व्हाटएवर, मैं उस लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं केयर करता हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ही हो, मेरी बहन ही हो, मेरी माँ हो। लड़कियों को रिस्पेक्ट देना बनता है तो उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। सो दोस्तों, फरहान से आपको इतनी सी चीज़ तो सीखनी चाहिए कि अगर आप दिल से चाहते हैं कि लड़की आपकी फैन बने, लड़की आपके पीछे पागल हो जाए, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है। क्योंकि गर्ल्स को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, बाकी सब कुछ तो वैसे ही मिल जाता है। अच्छा फरहान, मुझे एक बात बताओ, जितना मैं जानती हूँ आप बॉम्बे के बाहर से हैं, करेक्ट? कहाँ से आप? मैं बेसिकली हैदराबाद उत्तराखंड से। वाह, मतलब खूबसूरती है वहाँ तो, जन्नत। वाह, तो देखिए, ये हरिद्वार उत्तराखंड से है जिसे हम सब जन्नत कहते हैं। तो मुझे बात बताओ, जब आपने डिसाइड किया कि आपको बॉम्बे आना है, आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? और आपकी जो जर्नी है वहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में लॉकडाउन पड़ा, कोविड हुआ, पता नहीं क्या क्या, तो आपने अपने स्ट्रगल को कैसे मैनेज किया, अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, और आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही? ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था। 2014 में जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, देन उसके बाद मैं दिल्ली में था तो वह मॉडलिंग कर रहा था। देन मॉडलिंग करते करते कुछ समय के बाद पापा का सपना था कि मैं पुलिस में जाऊँ। ओह वाओ। तो उन्होंने मुझे एक सब इंस्पेक्टर का फॉर्म डलाया और देन मैंने उसको कंप्लीट भी किया। मैंने फिजिकल निकाला, रिटर्न निकाला, सब क्लियर किया। लास्ट में एक 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, उसे एक लेटर मिलता है। मुझे वो लेने जाना था, पर मेरा सपना बिल्कुल नहीं था पुलिस में जाने का, क्योंकि मुझे एक्टर बनना था। देन मैं वो लेटर लेने नहीं गया और दिल्ली चला गया। वहाँ पे मेरा एक शूट था, मैंने वहाँ पे वो शूट किया और देन शूट के बाद डर की वजह से मैं 1 महीना घर नहीं गया। हाँ। पता सुनने को मिलेगा। फिर देन उसके बाद 1 महीने बाद घर पहुँचा तो पापा गुस्सा थे, बात नहीं की, साथ नहीं बैठे। फिर एक बार वो शाम बैठे हुए थे, मैं उनके पास जाके बैठा, उनको समझाया कि पापा एक स्टेट होता है, उस स्टेट में सबसे बड़े CM होते हैं और एक CM को आसपास के 4 से 5 स्टेट के लोग जानते होंगे पर पूरा भारत नहीं जानता होगा। पर एक एक्टर को अगर आपने छोटा सा भी काम किया और आपने अच्छा काम किया है तो उसको पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विदेश भी देखता है। तो वो फेम चाहिए था, इसलिए मुझे आर्टिस्ट बनना था। और ये जो जर्नी रही है बिल्कुल भी इजी नहीं रही है। लॉकडाउन देखा, एटलीस्ट घर पे रह के, मेरा उस टाइम सिंगल रहता था, मैं 35,000 फ्लैट का रेंट था। 8 मंथ घर पे रह के 35 एवरी मंथ मैंने पे किया है, जो सेविंग थी वो सब चली गई। उसके बाद देन बैकआउट किया। अभी अराउंड 1 या 2 मंथ से मुंबई में हूँ, घर पे आना जाना लगा रहता है 1 महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, पर अभी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है कि काम मिल जाता है तो हो जाता है। सो दोस्तों देखो, अगर आपके सपने में दम है तो अपने पेरेंट्स को तो आप कन्विंस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जब शहर बॉम्बे की बात आती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली शहर है, यहाँ पर सर्वाइवल बहुत टफ है। तो अगर आपके सपनों में दम है, आप अपनी जेब में भी दम लाइए, दिल से मेहनत करिए और यकीन मानिए, अगर फरहान टिक सकता है तो आप भी टिक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके सपनों में दम होना बहुत जरूरी है। पर फरहान, मुझे एक बात बहुत बुरी लग रही है, अगर आप पुलिस में हो गए होते ना तो मेरे आधे केस इजी हो जाते ना यार। वो एक्चुअली क्या है ना मैम, पुलिस बन के लोगों की सिक्योरिटी नहीं करनी थी, एटलीस्ट 4 पुलिस वालों को अपनी सिक्योरिटी में रखना था, वो सपने देखे थे ना। टच वुड, वाह, आई लव इट। अच्छा फरहान, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मुझे आज इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया है, मैंने बहुत देखा है, हाँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे गे कास्टिंग काउच, मॉलेस्टेशन, फेक कमिटमेंट्स, टॉल स्टोरीज, बड़ी बड़ी बातें बहुत होती हैं। यहाँ पे लड़कियाँ फिर भी कंपैरेटिवली सेफ हैं, गाइस तो बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि जब आप एक पोजीशन में आते हो, जब आप एक स्टेज में आते हो, आपको हर सेकेंड बंदा जो मिलता है वो गे मिलता है। Exactly. और यहाँ बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, तो दर्शकों को बताइए कि आपके ऐसे एक्सपीरियंस कैसे रहे और आपने उनको कैसे टैकल किया। एक्चुअली क्या था, ये सब बातें हमको दिल्ली में पता चल गई थी, बिकॉज एवरीबॉडी नो वेरी वेल कि जो अपनी फैशन इंडस्ट्री है उसमें ऑलमोस्ट 80-85% गेज हैं, और वो लोग सिर्फ लड़कों को ही पसंद करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं अपना।
देन वहाँ पे हमारे साथ इतना कुछ नहीं हुआ बिकॉज वी आर बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, तो हम लोग जानते थे, तो हमारे पे इतना ट्राई नहीं हुआ। पर मुंबई में आने के बाद जैसा आपने बोला कि लड़कियाँ बहुत तारीफ करती हैं, वैसे ही लड़कों का मेरे प्रति रुझान बहुत रहा है। मैं कभी क्लबिंग जाता हूँ, शूट करता हूँ एंड ऑल, इंस्टा पे बहुत डीएम आते हैं मुझे, पर कभी इन चीज़ों को मैंने सीरियसली नहीं लिया बिकॉज आई एम अ स्ट्रेट। मैं आपको पहले बता दूँ, हाँ वो बात अलग है, मेरे ग्रुप्स हैं, एलजीबीटी मेरा ग्रुप है बिकॉज सबको अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। आप किसी पे कमेंट नहीं कर सकते कि तू ऐसे क्यों रहता है, तू लड़कियों की तरह क्यों बैठता है, तुझे लड़के क्यों पसंद है, वो उनकी थिंकिंग, उनका थॉट्स है, बिल्कुल। तो आप उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो उनके साथ मैं बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ बिकॉज वो डिजर्व करते जो उनको चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ जो मुझे चाहिए, तो मैं ऐसा है। और बिल्कुल प्रकृति ने बनाया है, हर इंसान एक इंडिविजुअल है, सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का। अगर मुझे लगता मैं सही हूँ, अगर आपको लगता आप सही हैं, तो वो भी तो सही है। और हर इंसान अपने दायरे में खुश है। तो फरहान मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आपकी जो फीमेल फैन है, गाइज भी आपके बहुत फैंस हैं, तो जबकि फीमेल फैन से वो जानना चाहती है कि आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो कैसी लड़की देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिंगल बिल्कुल नहीं हूँ। हमारी बॉलीवुड की एक आर्टिस्ट है आयशा पठान, जिसके साथ मैं भी कमिटेड हूँ पिछले एक महीने से, और हम लोग रिलेशनशिप में हैं और साथ ही रहते हैं। उफ, आपने लड़कियों का तो दिल तोड़ दिया। रिसेंटली मैंने एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू लिया, शी वॉज लाइक फरहान फरहान फरहान, आई वुड लव टू गो विद फरहान, ऐसा था। शी वॉज गोइंग क्रेजी, बिलीव मी। बट आपने लड़कियों का दिल तोड़ दिया है, सो के बट हम चाहेंगे आप और आयशा बहुत खुश रहें, और हम चाहेंगे कि अगला एपिसोड मैं आप दोनों के साथ करूं, आई वुड लव टू। अच्छा फरहान, मुझे एक बात बताओ यार, जैसे कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, जैसे कभी आपने कोई इंटीमेट सीन कर रहे हैं, बोल सीन कर रहे हैं, वहाँ पे किसेस होती हैं, स्मूचेस, हम्पिंग शॉट्स होते हैं, एक दूसरे पर लगे पड़े होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर तो चाहता है कि भाई कर लो, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जैसा पब्लिक देखती है क्या वो वाकई उतने बोल्ड होते हैं, या हकीकत क्या होती है? पब्लिक को बेसिकली आप बताइए कि जो इंटीमेट सीन होते हैं, आप उसमें कितनी बार टर्न ऑन हुए हैं, और वो हकीकत में कितने हकीकत होते हैं, ये बताइए। एक्चुअली जो इंटीमेट सीन होते हैं, पहली बात तो ये कि वहाँ पे हम दो जो आर्टिस्ट होते हैं, फीमेल और मेल, वो ही नहीं होते, वहाँ पे एटलीस्ट पूरी टीम होती है सेट की। आप मान के चलो कि 30-35 लोग वहाँ पे होते हैं, और जितने भी सीन आप देखते हैं कुछ रियल होते हैं, बाकी सब चीट सीन होते हैं। लाइक सेकेंड थिंग ये होता है कि मैं एक ही बार टर्न ऑन हुआ हूँ, वो किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी लेटेस्ट में केरला में शूट कर रहा था, तो वहीं पे आयशा से मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ पे क्या था, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कभी सीन के बीच में कोई नशा नहीं करता। तो वहाँ पे एक सीन था कि स्विमिंग पूल में हम लोग रोमांस कर रहे हैं और साथ में बियर पी रहे हैं, तो जो हमारी डायरेक्टर मैम थी, उन्होंने रियल बियर मंगा दी वहाँ पे, और मैंने 4-5 सिप उसके लगा लिए थे। तो थोड़ा वहाँ पे मैं टर्न ऑन हो गया था, देन वहाँ पे फिर मैंने खुद को संभाला भी, देन वहीं से आयशा की और मेरी सब चीजें स्टार्ट हुई। तो आपने सेट पे कांड किए या सेट से आने के बाद कांड किया? हम लोग साथ में 3 दिन केरला में थे, लेकिन वहाँ पे हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ, लौटते टाइम फ्लाइट में हम लोग बैठे, और वहाँ पे उसके मन में भी वो सब बातें थी और मेरे मन में भी वो सब बातें थी, हम लोगों ने आते वक्त वो बातें एक्सप्रेस की। मतलब केरला में केला नहीं दिया आपने? केला में ना केला मिला है ना कुछ मिला है, जो भी मिला है बस अच्छा लगा वहाँ पे काम करके लोगों के साथ। लवली। तो फरहान, जैसे कि आप चूंकि छोटे शहर से आते हैं, आपने सर्वाइवल के बहुत सारे स्टेजेस देखे हैं, सो जो आपके बैचमेट्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग सपने तो देखते होंगे, तो आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे अगर वे एक्टर बनना चाहते हैं? एंड उसके बाद आप अपना इंस्टा हैंडल लोगों से शेयर करिए, ताकि वो आपको फॉलो कर सके और आप तक पहुंच सके। पहली बात तो ये है मेरे फैंस और मेरे दोस्तों के लिए कि जैसे आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको 4 साल लगते हैं पढ़ाई करते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी जो डिग्री करोगे, जितना उसका टाइम पीरियड होता है, आपको करना पड़ेगा। तो एक्टिंग कोई हलवा नहीं है कि आप ये शीशे के सामने खड़े हो गए, कपड़े पहनकर खुद को देखा कि हाँ अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ और आगे मुंबई, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ता है। और एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, जितना करो उतना कम। और ये जो हमारी फील्ड है बॉलीवुड इंडस्ट्री, जितनी अच्छी और साफ सुथरी पर्दे के आगे है ना, उतनी ही बुरी पर्दे के पीछे है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने आप को कितना सेफ लेके चल रहे हो यहाँ पे। और बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एक्टिंग सीखिए, अपने आप को वेल मैनर्ड कीजिए, तभी आप यहाँ पे आइए। और एटलीस्ट अगर आपका खुद का अपना बिजनेस है,
आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं तो ही यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे कितना समय लग जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। बनने को आप एक महीने में ऊपर पहुंच सकते हैं, बनने को आपको 10 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन योर टैलेंट, डिपेंड ऑन योर वर्क एंड डिपेंड ऑन योर लक। एग्जैक्टली, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंजीनियरिंग 4 साल में होती है, लेकिन उसके पहले आप पीटी का एग्जाम देते हैं, आईआईटी का देते हैं, AIEEE देते हैं, 11th 12th में आप बहुत मेहनत करते हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं। वैसे जब आप मेडिकल में जाते हैं आपको PMT क्लियर करना पड़ता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस है, और उसके बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी आपको नहीं पता होता। और लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, 6 मंथ्स काम करते हैं, देन दे फील लाइक हम तो शाहरुख खान बनने वाले हैं। तो मेकअप लगते से एक तो इंसान भूल जाता है कि वो क्या था, और दूसरी बात शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता। जिन भी चीज़ों के शॉर्टकट्स होते हैं वो कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं देते। सो एक प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करिए, प्रोसेस के तरीके से जाएंगे तो नेचुरली आपको सक्सेस मिलेगी। और इन सब के साथ ही साथ आपका लक फैक्टर बहुत मैटर करता है। हमारी इंडस्ट्री हार्डवर्क से ज़्यादा लक को सपोर्ट करती है। तो अगर आप में दम है और आपको लगता है कि आप इतने लकी हैं, तो आ जाइए, काम करिए और बुलंदियों को छुइए, अदरवाइज मत करिए। और फरहान, अपना इंस्टा हैंडल तो बताओ। हाँ, मेरी इंस्टा आईडी है IMFARHAANANSARI, आई एम फरहान अंसारी। तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, सबको रिप्लाई मिलेगा और बहुत सारा प्यार कीजिए। यस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फरहान अंसारी आपके दिल में बसे रहें और आप भी फरहान के दिल में बसे रहें, तो इनके साथ जुड़े रहिए। और ये इनका इंस्टा हैंडल है। अच्छा फरहान, मैं तो पूछना भूल गई, मेरे साथ आपने काम किया, आपने मेरे साथ कुछ 8 सीरीज की, 8 या 9 सीरीज। सो मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप मेरे साथ पहली बार काम करने वाले थे, मतलब जब आप मुझे नहीं मिले थे? नेचुरली आपने मेरे बारे में कहीं तो सुना होगा या शायद आपको कुछ पता होगा। तो पहले आपकी सोच मुझसे मिलने के पहले, जब आप मुझे सेट पर मिले तुरंत और मेरे साथ आपने आज इतना सारा काम कर लिया है, तो उसमें जो बदलाव है वो सारी चीजें पब्लिक को बताइए। देखिए क्या होता है ना, आज के समय में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि किसने कुछ बताया उसको सच मान लिया, एक होते हैं कि खुद अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं तो यकीन करते हैं। और मैं सेकंड पर्सन हूँ। जब तक मैं किसी इंसान से पर्सनली नहीं मिलता, वो अच्छा है या बुरा, मैं बिलीव नहीं करता। आपसे मैं मिला, उससे पहले आपके बारे में अच्छा भी सुना था और बुरा भी सुना था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं सेट पे काम कर रहा हूँ और मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे यही लगता था कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं और गेम में हमें जीतना है, जितना अच्छा हम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैम के साथ कभी हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कभी हमें कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं मिली, ना कोई हमें स्टोरी मिली, हमें सिर्फ एक सीन बताया जाता था कि ये सीन है। क्योंकि क्या होता है ना, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, अगर आप उसको बाउंडेशन में बांध दोगे कि यही आपको लाइन बोलनी है, यही आपको एक्सप्रेशन देने हैं, तो वो नर्वस हो जाता है और अपनी एक्टिंग भी भूल जाता है। तो आपके साथ काम करके मुझे यही लगा कि मैं खुल गया, और जो मेरा बेस्ट था ना, मैंने उसे भी बेस्ट दिया आपको, क्योंकि मुझे कोई सीमा नहीं थी, मेरी जो सीमाएं थी वो असीमित हो चुकी थी, और मैं खुल के खेला और मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और आपके साथ काम करने के बाद मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, कुछ पे मैं काम कर चुका हूँ और कुछ पे करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मानते हैं कि मैं लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। आज आप मेरे घर आए हैं और आपको तुरंत 2 प्रोजेक्ट मिल गए। यस, अभी जस्ट मैं आके बैठा 1 घंटा पहले और मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से, और मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं जो मैं करने वाला हूँ जल्दी, वहाँ से मुझे कॉल आया और डन भी हो चुके हैं मेरे प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, मैं लकी भी बहुत हूँ, टैलेंटेड भी बहुत हूँ, एंड दोस्तों बिलीव मी, मैंने आज तक इतने एक्टरों के साथ काम किया है, फरहान बहुत अच्छा है। और मैंने हमेशा फरहान को मेहनत करते, डेडिकेटेड, और फरहान अपने काम को लेकर, काम की जो इज्जत करता है, बहुत ही कमांडेबल है। और दोस्तों फरहान से जुड़े रहिए। फरहान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू गाइस। बाय गाइस। बाय।